अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप अपने टिकट को प्रिंट करना चाहते हैं, यानी आपने ट्रेन का या फिर फ्लाइट का टिकट आपने बुक किया है IRCTC के ज़रिए, IRCTC मोबाइल एप्लीकेशन या फिर IRCTC वेबसाइट के ज़रिए, बट आप उसको प्रिंट नहीं कर पाए हैं, तो आप चाह रहे हैं कि उसको आप प्रिंट कर लें, यानी एक PDF को फॉर्म में उसको आप डाउनलोड कर लें, तो वो कैसे करना है इस वीडियो में आपको वो पता चलने वाला है। तो आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखना होगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि किस तरीके से आखिर आप अपने टिकट को, जो आपने टिकट बुक किया है, उसको प्रिंट कर सकते हैं एज ए PDF। प्रिंट इन द सेंस के आप उसको PDF बना करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कोई भी ब्राउजर एक ओपन कर लेना है आपके फ़ोन के अंदर में। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कभी कभी किसी फ़ोन में आपको एक ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, क्रोम ब्राउज़र, किसी किसी में एक ब्राउज़र नाम से भी आपको मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, आपको क्रोम ब्राउज़र में बताऊँगा, क्योंकि ये लगभग लगभग हर किसी के फ़ोन में ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होकर के आता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, यानी आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं एज यू विश। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली क्रोम ब्राउज़र जो है ओपन कर लूँगा। तो क्रोम ब्राउज़र का कुछ लुक इस तरीके से नज़र आएगा, कुछ लोगो इस तरीके से क्रोम लिखा हुआ रहेगा, CHROME। सिंपली आपको करना क्या, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इस ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में, जो भी ब्राउज़र आपने ओपन किया, अगर क्रोम ब्राउज़र फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आपको आगे सिंपली इस वीडियो को फॉलो कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली अगर इस तरीके से इंटरफेस आता है, इस तरीके से दिखता है, तो आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप जो भी ईमेल आईडी से लॉगिन होंगे वो यहाँ पर बता देगा कि हाँ आपकी इस ईमेल आईडी से लॉगिन है और उसको सिंक करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यस आई एम इन, सिंपली मैंने इसके ऊपर में क्लिक किया, आप भी इसके ऊपर में क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे आइएगा, होम पेज पे आइएगा, अगर अब मैं यहाँ पे आऊँगा, यानी क्रोम ब्राउज़र अभी अगर मैं ओपन करूँगा, तो आपको कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आपको कुछ इस तरीके से डायरेक्टली नज़र आ जाए, जो अभी नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके से। अगर ऐसा भी नज़र नहीं आता है, अगर इस तरीके से कुछ ऑप्शन आते हैं लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा लैंग्वेज चाहिए और सिंपली आप सेव कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिंपली इस तरीके का इंटरफेस ज़रूर आएगा, कुछ इस तरीके जो अभी आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से ज़रूर नज़र आएगा। अगर इस तरीके से नज़र नहीं आता तो अभी आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको यहाँ होम जो आपको नज़र आ रहा है, एक घर जैसा आइकन है, इसके ऊपर में सिंपली आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में ये इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक यहाँ पर नज़र आ रहा है सर्च और टाइप वेब एड्रेस, सिंपली आपको करना क्या है, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है और इसके ऊपर में क्लिक करके आपको यहाँ पर सर्च करना है IRCTC। सिंपली आपको क्या करना है, इसे सर्च करना है। जैसे आप IRCTC सर्च करेंगे तो अगर इस तरीके से कुछ ऑप्शन आता है आपके पास में कुछ इस तरीके से कि हाँ गूगल यूजेज योर लोकेशन इस तरीके से, तो आप सिंपली इसको कट कर सकते हैं, यहाँ पे जो कट का सिंबल है इसके ऊपर में क्लिक करके। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट नज़र आएगा, कौन सा वेबसाइट, IRCTC.co.in, आपको ये वेबसाइट नज़र आएगा। तो आपको करना क्या है, इस वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस वेबसाइट को आप ओपन कीजिएगा, इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद में आपके पास में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एक जैसे इसको स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, अगर इस तरीके से नोटिफिकेशन अलाउ के लिए पूछता है तो आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। अगर आपके पास में कुछ इस तरीके से आ जाता है स्क्रीन के ऊपर में, तो आपको करना कुछ नहीं, सिंपली आप कैंसिल वाला बटन पर क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट, सिंपली आप इसको कैंसिल कर दीजिए, हो गया काम खत्म। उसके बाद आपको करना क्या, सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है। अगर आपके पास में कुछ इस तरीके का भी इंटरफेस आता है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा NGET to होम स्क्रीन, अगर ये भी आता है तो सिंपली आपको यहाँ पे कट का सिंबल नज़र आएगा, उसके ऊपर में क्लिक करके आप इसको कट कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ के यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, अगर इस तरीके से अगर आपको दिख नहीं रहा है साफ तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, जो क्लोज का सिंबल नज़र आ रहा है ना, सिंपली आप क्लोज वाले बटन पर क्लिक कीजिए, ये क्लोज हो जाएगा। तो अभी आपको पूरा फ्रेश दिखने लगा कि मतलब जो ऑप्शन चाहिए, जो भी बटन चाहिए वो आपको दिखने लगा सही सही। तो अभी आपको करना क्या है, सिंपली ओके पे क्लिक करना है, इस ओके बटन पे आप क्लिक कीजिएगा। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद में अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल पे या स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको ऊपर में एक ऑप्शन नज़र आएगा, तीन लाइन यानी तीन डॉट नज़र आएगा, तीन बिंदु नज़र आएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, इसके ऊपर में क्लिक करना है। इस थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा, डेस्कटॉप साइट। सिंपली आपको करना क्या है, इसको चेक करना है, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा तो ये एक डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा, कंप्यूटर मोड में समझ लीजिए इसको। फिर से यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, दोनों उंगली से जो है, दोनों उंगली को अगर दूर करेंगे एक साथ रख करके, तो जूम इन जूम आउट होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली अगर यहाँ पे फिर से आ रहा है नोटिफिकेशन के लिए, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ब्लॉक करूँगा और इसको कैंसिल करूँगा, दैट्स इट। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा क्या, ओके का, तो सिंपली आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके पे क्लिक करूँगा, दैट्स इट। ओके ओके पे क्लिक करने के बाद में आपको सबसे ऊपर साइड में आप देखिएगा, दाएं साइड में सबसे ऊपर में, अगर इसको मैं थोड़ा जूम करके बताऊँ, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा चार लाइंस, कुछ इस तरीके से चार लाइन नज़र आएगा। आपको करना क्या है, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे लॉगिन के लिए नज़र आ रहा है, सिंपली आप लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से लॉगिन हो जाइए। यानी आपको यहाँ पे यूज़र नेम और यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ही सेव कर रखा है कुछ यूज़र नेम्स और पासवर्ड। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको बैक बटन क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आपको यूज़र नेम है, आपका यूज़र नेम आपको यहाँ पे इंटर करना है। लाइक मेरा यूज़र नेम जो है ये है, ये मैंने यूज़र नेम डाल दिया। यूज़र नेम टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड दिया और पासवर्ड आपको इंटर कर देना है। उसके बाद में आपको करना क्या है, टाइप हेयर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बीमा, यानी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ नज़र आएगा ना, जैसे उसको मैं थोड़ा जूम करूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे टाइप, एक मिनट, यहाँ पे आपको नज़र आएगा टाइप और उसके अंदर में जो डबल कॉट्स के अंदर में जो लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बीमा ज्योति, आपको सेम टू सेम वही टाइप करना, जो भी उस कॉट्स के अंदर में होगा उसको सिंपली टाइप हेयर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको वो टाइप कर देना है। जैसे मैंने टाइप हेयर पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको करना क्या है, जो लिखा हुआ है बीमा, उसके बाद में JYOTI, बीमा ज्योति, सिंपली इसके ऊपर में क्लिक करके, यानी ये टाइप करके आपको करना क्या होगा, साइन इन बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, एक मिनट, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा साइन इन, सिंपली आप साइन इन बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप साइन इन बटन पे क्लिक कीजिएगा, तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा, ये साइन इन होगा। यहाँ पे बता रहा है प्लीज़ इंटर वैलिड यूज़र आईडी, यहाँ पे वैलिड यूज़र आईडी पूछ रहा है, तो हो सकता है कि आपने कुछ यूज़र नेम में गलत आपने टाइप किया होगा, यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे प्लीज़ इंटर वैलिड यूज़र आईडी पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से यूज़र नेम जो है, यूज़र आईडी मैं फिर से इंटर करूँगा, मैं अपना जो भी मेरा यूज़र आईडी है, और फिर से मैं पासवर्ड जो है इंटर करूँगा। पासवर्ड इंटर करने के बाद में मैं फिर से लॉगिन करूँगा। पासवर्ड इंटर करने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है टाइप, बीमा ज्योति लिखा हुआ, तो मैंने इसको टाइप कर लिया। उसके बाद में आपको साइन इन पे क्लिक करना है, तो ये साइन इन होगा। थोड़ा सा कुछ इस तरीके से प्लीज़ वेट लिख करके आएगा, कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगा। यानी आपको रिसेंटली जो भी अपकमिंग जर्नीज है वो सारे आपको डिटेल्स यहाँ पे नज़र आने लगेंगे। तो अभी आपको करना क्या है, सिंपली आपको जो टॉप में जो आपको नज़र आ रहा है ना लाइन, चार लाइंस जो नज़र आ रहे हैं, सिंपली आपको इसी के ऊपर में क्लिक करना है। टिकट डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इसी के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे जब स्क्रॉल अप कीजिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा माय अकाउंट, माय अकाउंट नज़र आएगा। आप माय अकाउंट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद में आपको नज़र आएगा माय ट्रांजैक्शंस, आपको सिंपली माय ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे नज़र आएगा बुक टिकट हिस्ट्री, आपको सिंपली क्या करना है, बुक टिकट हिस्ट्री पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बहुत कई सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, वैसे आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने जूम आउट कर दिया, अभी थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा ऑल जर्नीज, अपकमिंग, पास्ट जर्नीज, तो आपको करना क्या, अपकमिंग जर्नीज पे, अपकमिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपको टिकट है ना उसी के पास में टिकट PNR लिखा हुआ रहेगा। PNR के पास में आपको एक आइकन नज़र आएगा प्रिंट का, प्रिंटर का एक आइकन नज़र आएगा, सिंपली आपको स्कोर में क्लिक करके उस टिकट को प्रिंट कर लेना है। अगर मैं बताऊं इस टिकट का, तो जैसे मेरे पास में ये है KSR बैंगलोर से जो मैंने टिकट निकाल रखा है, तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको मैं प्रिंट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन नज़र आएगा, ये ध्यान रहे जो मैंने डेस्कटॉप यानी जो जो चीज़ मैंने बताया ना जिस तरीके से करने के लिए उसी तरीके से कीजिएगा, वरना ये ऑप्शन क्या है कभी कभी नज़र नहीं आता है। तो जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से कीजिएगा, जो जो अभी मैंने स्टेप बताया, तो आपको ये ऑप्शन ज़रूर नज़र आ जाएंगे प्रिंटर का। सिंपली आप प्रिंटर वाले बटन पर क्लिक कीजिए, यानी प्रिंटर वाला आइकन पर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर में क्लिक करने के बाद में आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा, तो आपको नीचे नज़र आएगा क्या, प्रिंट। सिंपली आप प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा। अभी ये अलाउ के लिए पूछेगा, तो सिंपली ब्लॉक करूँगा मैं इसको, कैंसिल। यहाँ पे नज़र आ रहा है प्रिंट, सिंपली प्रिंट पे क्लिक कीजिए। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपके फ़ोन के अंदर में, यहाँ थोड़ा सा लोड होगा। लोड होने के बाद में ये सेव एज PDF, ये ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा। अगर हो सकता है कि यहाँ पे व्यू ऑल प्रिंटर्स सेलेक्ट रहे, वैसे सेलेक्ट रहता नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको सेव एज PDF ही नज़र आएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप देख लीजिए कि लिखा क्या हुआ है सेव एज PDF, तो बस इसको रहने दीजिए। उसके बाद में आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे सेव का बटन नज़र आएगा, सेव बटन, सिंपली आप सेव पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सेव पे क्लिक कीजिएगा, सेव पे क्लिक करने के बाद में ये जो है आपको आपके फाइल में लेकर के जाएगा, फाइल मैनेजर में ऑटोमेटिक, और यहाँ पे पूछेगा कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, जिसे डाउनलोड फोल्डर में, बाय डिफॉल्ट जो आता है वो डाउनलोड फोल्डर में आता है। सिंपली आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आकर के यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है प्रिंट,
तो प्रिंट के जगह पे आपको टिकट का नाम डाल देना है। जैसे इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप टिकट का नाम डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे टिकट का नाम डाल दिया, अब्दुलरहमान जी टिकट, ये मैंने डाल दिया कि मेरा टिकट है, मैंने इसलिए इसको ये नाम दे करके। और इसके बाद में आपको करना क्या है, सिंपली सेव बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका टिकट जो है वो PDF के रूप में सेव हो जाएगा आपके फाइल के अंदर में। अभी उसको मैं आपको बताऊँ कि कहाँ पर है, तो फिर मैं उसको ओपन करके बता देता हूँ। सिंपली मैं बीच वाला बटन क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से फाइल मैनेजर में जाऊँगा। आप फाइल मैनेजर में आइए। फाइल मैनेजर में आने के बाद में आपको सिंपली करना क्या है, डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना है। तो मैं फ़ोन स्टोरेज में जाकर के डाउनलोड वाले फोल्डर में आऊँगा। यहाँ पे आपको टिकट नज़र आ जाएगा, जिस भी नाम से आप टिकट दिए मतलब के सेव किए होंगे। अगर आपको इस तरीके से नज़र नहीं आएगा तो सिंपली आप यहाँ पे जो डबल डॉट है ना, आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए। यहाँ पे शॉर्ट लिखा होगा, शॉर्ट पे क्लिक करके बाय टाइम आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपको जो टॉप में है वही नज़र आ जाएगा, जो टिकट आपने जस्ट अभी सेव किया है। सिंपली मैं इसको क्लिक करूँगा इस टिकट पे और इसको ड्राइव PDF व्यूवर जो है उसके ऊपर मैं क्लिक करके मैं इसको देख लूँगा। तो देखिए मेरा टिकट जो यहाँ पे नज़र आने लगेगा PDF के रूप में, मुझे टिकट मेरा जो है निकल गया, मिल गया मुझे। मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आखिर किस तरीके से PDF के रूप में टिकट जो है डाउनलोड करते हैं IRCTC वेबसाइट के ज़रिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं क्या परेशानी है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको आपका क्वेश्चन है। बहुत जल्द आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको जवाब मिलेगा और आपके आपको जो है सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।